दोस्तों पेंटिंग का पहला प्रोसेस है सैंड पेपर, बढ़िया तरीके से ये क्लीन हो रहा है, तो थोड़ा सा अभी एक नंबर। दोस्तों पेंटिंग का पहला प्रोसेस है सैंड पेपर से अच्छे तरीके से ये जो पेंट है ना इसको थोड़ा सा रफ बनाना है, ताकि हम जब पेंट करेंगे ना तो हमारा पेंट इस पर बढ़िया तरीके से पकड़ बना ले। तो अच्छे तरीके से पूरे मैगविल पे इसको घसना है, एकदम हार्ड वाला नहीं, थोड़ा सा सॉफ्ट वाला सैंड पेपर यूज़ करना है। आपको कहीं पर भी लेवलिंग करना है तो आप थोड़ा सा हार्ड वाला यूज़ करके उसके ऊपर सॉफ्ट वाला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्लेट के ऊपर भी हम थोड़ा सा यहाँ पे जो अंदर वाला एरिया इस पर पेंट करेंगे, तो ये भी थोड़ा सा जंग वगैरह लगा हुआ है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जंग लगा हुआ है। अभी देखो इसको थोड़ा सा सैंड पेपर से घसेंगे ना तो ये पूरा जंग निकल जाता है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर बढ़िया तरीके से ये क्लीन हो रहा है, तो थोड़ा सा अभी नया जैसा लग रहा है भाई। एज यू कैन सी आप देख सकते हैं हमने इसके ऊपर पूरा साइड में टेप लगा दिया है, ताकि फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आए और टायर ख़राब ना हो, टायर के ऊपर पेंट ना लगे। और दोनों को हमने अच्छे से घस के धोया है, डिटर्जेंट डाल के सारी चिकनाहट निकाल दी है और सैंड पेपर से भी इसको बहुत बढ़िया तरीके से घसा है। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को जो पेंट मैं यूज़ करने वाला हूँ, बहुत लंबे समय से यूज़ करता हूँ, वो पेंट दिखाने वाला हूँ। ये जो पेंट है गाइज ये बन्ना स्प्रे का पेंट है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा बन्ना के बारे में। और मैं इनका पेंट बहुत लंबे समय से यूज़ करते आ रहा हूँ, मैंने बहुत सारे गाड़ियों को पेंट किया है इसी पेंट का इस्तेमाल करके। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे है बन्ना स्प्रे का कैन, मैंने काफ़ी ज़्यादा पेंट मंगवा लिया क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है टचअप वगैरह करने के लिए, मैगविल्स को पेंट करने के लिए, बाइक को पेंट करने के लिए। ये जो पेंट है ना गाइज एक नंबर है, इससे बढ़िया क्वालिटी आपको पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं मिलेगी। गाइज अभी फिलहाल हम सिर्फ बाइक के मैगविल्स को पेंट कर रहे हैं बन्ना स्प्रे कैन को यूज़ करके, लेकिन आगे चल के हम इसका कंप्लीट कलर को चेंज करने वाले हैं। फिलहाल क्योंकि कल हमारा स्टंट शो है तो टाइम की कमी है, जल्दी से जल्दी पेंट करते हैं, काम ख़त्म करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम प्राइमर मारने वाले हैं, क्योंकि ये मारने के बाद ना पेंट की क्वालिटी और पेंट की जो पकड़ है वो एक नंबर होती है। अब ये जो हमारा मैगविल है गाइस, इस पर हमने इतने कलर्स चढ़ा रखे हैं, ये देखो नीचे सबसे पहले देख सकते हैं आप यहाँ पे ये ब्लैक कलर है, इसके ऊपर हमने ऑरेंज मारा था, उसके ऊपर हमने रेड मारा था, तो यहाँ पे पेंट की पकड़ काफ़ी मजबूत है। तो हम पेंट पूरा नहीं निकाल रहे हैं, हमने बस इसको घस के साफ़ कर दिया है और अब मारेंगे ये वाला वाइट प्राइमर। इसको मारने से पहले ना थोड़ा सा अच्छे से हिलाना है और जो है ना थोड़ा सा डिस्टेंस को मेंटेन करके मारना है, बहुत ही करीब नहीं मारना है, बहुत ही दूर से भी नहीं मारना है, एक मीडियम लगभग पाँच इंच का गैप रख के मारेंगे ना बढ़िया फिनिशिंग आती है। देखो अभी एक नंबर गाइस, क्या क्वालिटी है पेंट की, एकदम तगड़ा गाढ़ा वाइट प्राइमर है गाइज, ये एक ही कोट काफ़ी लग रहा है मेरे को। ये देखो गाइज पॉकेट के ऊपर भी हमने बेस कोट मार दिया है, ये सूखने के बाद मारेंगे एकदम कड़क वाला कोट। एक साइड पेंट हो गया है गाइज प्राइमर वाला, दूसरे साइड कर रहे हैं हम लोग, और इसको ये जो है ना बहुत जल्दी सूख जाता है, फिर भी हम लोग एक आधा घंटा छोड़ेंगे इसको प्राइमर मारने के बाद, उसके बाद मेन कलर चढ़ाएंगे इसके ऊपर। तो भाई प्राइमर लग गया है और ये ऑलमोस्ट सूख भी गया है, अब मारते हैं इसके ऊपर ग्रीन। गाइज ये एक न्यू कलर है बन्ना का, स्काई ब्लू जैसा इफेक्ट आने वाला है, देखेंगे मार के कौन सा इफेक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। नाइस गाइज,
अच्छा है कलर। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये कलर शायद मैं मैगविल पे मारता ना तो मज़ा आ जाता था, बट कोई नहीं, इस पॉकेट पे मारेंगे। गाइज एज यू कैन सी पेंट एकदम ड्राई हो गया है, लेकिन ये पेंट में अभी क्या है ना, शाइनिंग नहीं आई है। शाइनिंग इसको लेके आने के लिए ना ये क्लियर कोट है, इसको शाइनिंग वाला कोट भी बोलते हैं। इसको मारने के बाद ना ये चकाचक चमकेगा। सो देखो ये पड़ने के बाद ना एकदम शाइनिंग आ गई है, देखो कैसे चमक रहा है एकदम। अभी ये है क्लियर कोट का कमाल। ये देखो गाइस फाइनल प्रोडक्ट कैसा दिख रहा है, देखो डिस्प्ले देखो कैसी दिख रही है, एकदम ज़बरदस्त। इसको हमने टेप से ढका था ना, तो देखो फाइनल रिजल्ट कैसा आया है। एक नंबर मस्त लग रहा है गाइस। ये देखो गाइस कैसे फाइनल प्रोडक्ट निकल के आया है, एक नंबर का ज़बरदस्त फिनिशिंग वाले मैगविल हमने घर पे ही पेंट किए हैं। सो देखो किस खूबसूरती से काम हुआ है। ये देखो गाइस क्या रिजल्ट निकल के आया है, एक नंबर। हाय 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 हाय, कलर देखो, तुम्हारे भाई का काम देखो, समझ गए। कोई बहुत बड़ा काम मैंने नहीं किया है, तुम लोग भी कर सकते हो ऐसा वाला काम घर पे, एक नंबर का फिनिशिंग वाला वर्क है गाइस। गाइज ये है फाइनल आउटपुट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पेंट पसंद आया होगा और मेरी बाइक का फाइनल कलर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और ये वीडियो को देख के आप भी ट्राई कर सकते हैं पेंट करना अपनी बाइक को, बहुत ही आसान है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद। अपना ख्याल रखना और हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना।